विंटर में हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई और डैमेज हो जाती है। हम बहुत सारे मॉइस्चराइजर और बहुत सी लोशन अप्लाई करते हैं, लेकिन हमें स्किन में कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। अगेन एंड अगेन हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और स्किन का जो ग्लो है वो तो चला ही जाता है। तो कैसे अपना नेचुरल ग्लो वापस लाए, कैसे हम अपनी स्किन को रिवाइव कर पाए, कैसे हम अपनी स्किन को लाइट कर पाए और कैसे हम अपनी स्किन को विंटर से बचा पाए, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज गाइस जरूर देखिएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। और अगर आप DIY चीजों में बिलीव करते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो मेरे ब्यूटीफिक प्रोडक्ट को परचेज जरूर करिएगा। और दूसरा मेरा मिनरल क्रिएशन चैनल है, अगर आप चाहो तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो विंटर के लिए हम बहुत सारे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ले लेते हैं, ऑलमोस्ट सबके घर में आ ही चुके होंगे। तो वहां पे आपको मैं दो ऐसी ट्रिक बताने वाली हूं जिसकी वजह से आप अपनी स्किन को रिवाइव कर सकते हैं, आप अपनी स्किन का ग्लो वापस ला सकते हैं, और वो भी नेचुरल चीजों से। और साथ में जो इंग्रेडिएंट शेयर करने वाली हूँ ऑलमोस्ट सबके घर में अवेलेबल होंगे, आपको कुछ एक्सपेंसिव सामान लेने की जरूरत नहीं है। और जो भी लेना होगा वो सारे प्रोडक्ट आपको टेक प्रोडक्ट में मिल जाएंगे। का बहुत ही यूजफुल आपके साथ दो टिप्स मैं शेयर करने वाली हूँ, और आज तक आपने ऐसा देखा भी नहीं होगा और आप शॉक्ड हो जाओगे इतने कम इंग्रेडिएंट से हम इतना अच्छा ग्लो ले सकते हैं अपनी स्किन में। और यहाँ पे भी आपको दिखा दूं मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। यहाँ पे मेकअप तो देख सकते हो मैंने कुछ किया ही नहीं है, आई मेकअप भी कुछ नहीं है और मैंने मेकअप कुछ किया ही नहीं, तो यहाँ पे आपको लाइव दिख रहा है कि मेरी स्किन में कितना चेंज आया है। तो प्लीज आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो विंटर में हमें डबल क्लींजर करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी आप फेस वॉश यूज करो, आपको फेस वॉश के बाद आपको ड्राई लगने ही वाली है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, फेस वॉश करने से पहले आपको क्लींजिंग करना है। तो यहाँ पे हम कोकोनट ऑयल से क्लींजिंग करेंगे। आप कोई भी फेस वॉश यूज करो, लेकिन कोकोनट ऑयल से पहले आपको क्लींजिंग करनी जरूरी है, इससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी जब आप फेस वॉश करते हो तब। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से कोकोनट ऑयल लेना है और मसाज करना है लिप्स के एरिया में, इस तरह से मसाज करना है ताकि इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको कोई लिप बाम लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे इस तरह से हमें पूरा ऑयल की हेल्प से यहाँ पे क्लींजिंग कर लेना है। हल्के हाथ से हम थोड़ा थोड़ा मसाज करेंगे, और कोकोनट ऑयल बेस्ट रहता है। अगर उसमें भी आप कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल यूज करते हो ना, तो ये बेनिफिट बहुत है स्किन के लिए। तो आप पॉसिबल हो तो कोल्ड प्रेस ऑयल ही आप यूज करिए। मैं सारे प्रोडक्ट आपको टैग प्रोडक्ट में डाल दूंगी, तो वहां से आप परचेस कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने पूरा क्लीन कर लिया है, हमें कोकोनट ऑयल से पूरा फेस को क्लीन कर लेना है। अभी यहाँ पे स्टेप टू आएगा, जो डबल क्लींजर की मैं बात कर रही हूँ ना, तो उसमें आपको क्या करना है, आप जो भी रेगुलर फेस वॉश यूज करते हैं वो भी चलेगा। अगर आप पाउडर फेस वॉश यूज करना चाहते हैं तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं उसका भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी विंटर के लिए। और यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेरा ब्यूटीफिक का फेस पैक, जो ये स्किन ग्लोइंग फेस पैक है, जो फेस पे डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, ये सारी चीजों को रिमूव करने में इंस्टेंटली ये हेल्प करता है। तो बस यहाँ पे मैं डेली इससे फेस वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे आपको लेना है, आपको थोड़ी मात्रा में लेना है और इसके अंदर आपको ऐड करना है वाटर। तो यहाँ पे इस तरह से हमें हाथ में ले लेना है और अभी इससे हम मसाज करेंगे। गाइज आपको कोई भी मॉइस्चराइजर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, स्किन इतनी ग्लो करेगी आपकी, विंटर में भी आपकी स्किन एकदम हाइड्रेट रहेगी और एकदम ग्लो करेगी अगर आप ये टेक्निक आप ट्राई करते हो। तो यहाँ पे इस तरह से हमें पूरा मसाज कर लेना है, और आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा मैंने मसाज किया, मिनट तक हमें यहाँ पे मसाज करना है इस तरह से। अब यहाँ पे मैं वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे वॉश करने के बाद आप मेरा फेस देख सकते हो गाइस, मैं पास से दिखा रही हूँ कितना ग्लो कर रहा है मेरा फेस, आप देख सकते हो। तो ये आप डेली यूज करोगे ना, तो आपके फेस में हाइड्रेशन भी रहेगा, आपकी स्किन जरा भी ड्राई भी नहीं लगेगी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है। तो मेरे लिए तो ये बेस्ट है, मैं करती हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ ये चीज शेयर करूँ। और इसके बाद मैं एक दूसरी आपके साथ ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। ये दो आप अपने स्किन केयर में करोगे ना, तो विंटर में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना आपका इजी हो जाएगा विंटर स्किन केयर। तो अभी यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्या अप्लाई करती हूँ, तो ये सारी चीजें खुद ट्राई कर रही हूँ वही है। तो अभी यहाँ पे हमारा नेक्स्ट मैं आपको ट्रिक दिखाती हूँ कि मैं क्या अप्लाई करती हूँ।
तो यहाँ पे आपको लेना है रोज वाटर। तो यहाँ पे मेरा ब्यूटीफिक का रोज वाटर ले रही हूँ। मेरे जो भी प्रोडक्ट है अगर आपको परचेस करना है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से परचेस कर सकते हैं। तो आप जो भी वो रोज वाटर यूज करते हैं उसको लेना है। और अंदर आपको यहाँ पे कोकोनट ऑयल डालना है, तो आप देख सकते हो कितना डाल रही हूँ मैं, 2, 3, 4 एंड 5 5 ड्रॉप्स मैंने कोकोनट ऑयल डाला है। ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमारे फेस पे हमें पूरा ऑयल ऑयल लगेगा। फिर उसके बाद और इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, बाद यहाँ पे हम डालेंगे ग्लिसरीन, रोज वाटर, ग्लिसरीन और यहाँ पे कोकोनट ऑयल। ये तीनों का हम कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं ना, तो ये विंटर में बहुत अच्छा रहता है गाइस। इससे आपकी स्किन लाइट भी होगी, आपकी स्किन जो ड्राई हो चुकी है वो सॉफ्ट हो जाएगी और आपकी स्किन ग्लोइंग रहेगी और हाइड्रेट भी रहेगी। तो विंटर में हाइड्रेशन हमारा बरकरार रहना जरूरी होता है, तो ग्लिसरीन वहां पे हमें ये बेनिफिट देता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से थोड़ी देर हम शेक करेंगे, उसके बाद हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमें थोड़ी देर शेक कर लेना है ताकि सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी यहाँ पे इससे हम अपने फेस पे इसे स्प्रिंकल करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो अभी तो मैंने मॉइस्चराइजर वगैरह कुछ नहीं लगाया, लेकिन मुझे जरा भी फेस पे ड्राई फील नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फेस भी कितना ग्लो कर रहा है, देख सकते हो गाइस कितना ग्लो कर रहा है। ये सारी चीजें मैं डेली अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतना बेनिफिट मिला है, तो मैंने सोचा आपको भी ये बताऊं कि इससे इतना अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो वहां पे आपको महंगे महंगे क्रीम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ये दो सिर्फ आप करोगे ना, आपका विंटर स्किन केयर हो जाएगा। जरूर ट्राई करिएगा गाइस और आपके फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।